मॉर्निंग, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में वन मेनी बताऊंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को वन मेनी में एस लगाना बताया था, किस वर्ड में एस लगेगा। आज मैं आपको वन मेनी में किस वर्ड में ई एस लगेगा ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहां देखिए, जो भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड, जो भी वर्ड हो उसमें आपका लास्ट लेटर ओ हो या लास्ट लेटर एक्स हो या लास्ट लेटर एस हो या लास्ट लेटर एच हो, तो उसमें हम लोग ई एस यूज करते हैं, लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब यहां मैं आपको बता रही हूं, यहां देखिए नंबर वन में क्या है, एम ए एन जी ओ, वन में क्या यहां है, एम ए एन जी ओ, मैंगो। अब मेनी में जब ये जाएगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग ई एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां देखिए लास्ट लेटर आपका क्या है, ओ है। यहां मैंने बोला लास्ट लेटर, वर्ड का लास्ट लेटर आपका जब ओ हो, और कोई भी वर्ड का लास्ट लेटर जब आपका एक्स हो या एस हो या एच हो, तो उसमें हम लोग ई एस यूज करते हैं, ई एस लगा देते हैं। तो मैंगो है, तो यहां पर ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोज, ठीक है। अब देखिए यहां नंबर टू, नंबर टू में है बी ओ एक्स, बॉक्स, बॉक्स है। अब बॉक्स में हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए मैंने बोला था लास्ट लेटर इसमें क्या है, एक्स है, और यहां पे क्या है, एक्स है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग ई एस लगाएंगे। वन में है बॉक्स, मेनी में, मेनी में क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। तो बी ओ एक्स और ई एस इसमें हम लोग लगा दिए, क्या बन गया, बॉक्सेस, ठीक है। अब देखिए नंबर थ्री है आपका बी यू एस, बस, बस मेनी में क्या यहां हो जाएगा, बस का मेनी में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसमें हम लोग ई एस यूज करेंगे, क्योंकि यहां देखिए एस है और यहां भी एस है। तो लास्ट लेटर मैंने बोला, ये आपको फोर लेटर्स को लर्न करना होगा, ये फोर लेटर्स आप लोग लर्न कर लेंगे तो आपका सारा वन मेनी सही बनेगा, ठीक है। तो यहां बस है तो एस है इसमें, देखिए लास्ट लेटर, तो यहां क्या हो जाएगा, ई एस उसमें हम लोग यूज कर लेंगे, ई एस लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बसेस, बी यू एस ई एस, क्या बन गया, बसेस, ठीक है। अब है नंबर फोर, नंबर फोर में है आपका बी ई एन सी एच, बेंच, बेंच है। अब देखिए लास्ट लेटर क्या है, एच है, यहां है ना एच, तो अब इसमें क्या क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग ई एस लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेंच, बेंचेस, बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेस, ठीक है। तो ये है आपका वन मेनी में आपको क्या करना है, ई एस जिसमें लगाना है वो आपको कैसे पता होगा, जब आप लोग ये फोर लेटर्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे, ओ एक्स एस एच, ठीक है, तो आपका वन मिनी सही बनेगा। अब यहां पर मैंने दिया है आपको यूज ऑफ एस एंड ई एस, तो यहां पर देखिए वन में, वन में मैंने बोला था वन मतलब एक कोई भी चीज, और मेनी मतलब एक से ज्यादा कोई भी चीज, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर नंबर वन में क्या है, फैन, एफ ए एन, फैन, फैन एक है। अब मेनी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक, मेनी का मतलब एक से ज्यादा फैन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें एन है, तो यहां तो ये देखिए यहां जो फोर लेटर्स हैं इसमें, इसमें तो नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे, एफ ए एन एस, फैंस, ठीक है। अब देखिए नंबर टू है आपका एफ ओ एक्स, फॉक्स। अब देखिए यहां एक्स है ना, और यहां देखिए यहां भी एक्स है, तो इसमें क्या हम लोग लगाएंगे, ई एस, एफ ओ एक्स ई एस, क्या बन गया, फॉक्सेस, ठीक है। आप देखिए यहां पर नंबर थ्री है आपका पी ओ टी, पॉट। अब पॉट यहां है तो पॉट में तो यहां ये फोर लेटर्स में से नहीं है लास्ट में, तो ये इसमें क्या हम लोग लगाएंगे, मेनी में क्या हो जाएगा बेटा, एस इसमें लगा देंगे, पी ओ टी एस, पॉट्स, ठीक है। अब देखिए नंबर फोर है आपका बी आर यू एस एच, ब्रश। ब्रश को अब हम लोग, ब्रश है आपका ये, इसमें भी देखिए यहां लास्ट लेटर एच है और यहां आपका एच है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एस या ई एस,
इसमें हम लोग ईएस लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका बी आर यू एस एच ई एस ब्रशेस। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि किसमें वन मेनी में किसमें एस यूज होगा और किसमें ई एस यूज होगा। तो आप लोग इसको अपने इंग्लिश की कॉपी में राइट कीजिएगा एंड लर्न करेंगे अच्छे से, और ये फोर लेटर्स को लर्न करेंगे तो आपका वन मेनी सारा आपका सही बनेगा। ठीक है, थैंक यू।